अस्सलाम असल क्या हाल है आप सब के उम्मीद है कि सब खैरियत होंगे खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे और इन फूलों की तरह खुशपाश होंगे जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाए थे कि मैंने वाल मार्ट से ख़रीदे हैं तो जी इस फ्राइडे को जो है वो ऑफ था तो फ्राइडे सैटरडे संडे तीन दिन बच्चे घर में थे और एक हंगामा सा बरपा था तो बहरहाल इस वक्त यहाँ पे बन रही है भिंडी और भिंडी के लिए जो है मैंने फ्रोज़न भिंडी को थोड़ा सा फ्राई कर लिया है वैसे तो इसको डीप फ्राई करना चाहिए मगर मैंने इसको शैलो फ्राई किया है और टमाटर को जो है वो मैं अच्छी तरह से प्योरे कर लूँगी यहाँ पे मैंने प्याज को बहुत बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है भिंडी फ्राई हो गई तो उसे निकाल दें और उसी पैन में जो है वो आपने प्याज डाल के उसे अच्छी तरह से जो है वो फ़्राई कर लेना है मतलब बेसिकली इसको सॉफ़्ट करना है ऐसा भी नहीं कि आप इसको बिल्कुल डार्क ब्राउन कर लें तो जब तक आपका प्याज सोटे हो रहा है यहाँ पे मैंने थोड़ी सी राई ली है राई और उसके साथ मैंने लिया है ज़ीरा और उसके साथ कलौजी ठीक है जी अगर आप चाहें तो यहाँ पर मेथी दाना भी ले सकते हैं प्याज फ्राई हो गया है सॉफ्ट हो गया है आप इसे बाहर निकाल के भिंडी के साथ ही रख लीजिए और थोड़ा सा ऑयल डाल के जो है वो उसमें ये सारे स्पाइसेस को डाल दें इन मसालों को डालने के बाद इनको थोड़ा सा कड़कड़ाएँ इसमें से अच्छी सी आवाज़ आए तो बस ये तैयार हैं जो टमाटर आपने प्योरे किए थे वो आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं ख़्याल रखें कि बघार को आपने बिल्कुल भी जलाना नहीं है टमाटर के साथ मैं डाल दूंगी अदरक लहसन का पेस्ट और उसके अलावा नमक मिर्च धनिया पाउडर और हल्दी बिल्कुल बेसिक मसाले जो हम अपने हर खाने में डालते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं कम ज़्यादा वैसे मैं थोड़ी सी मिर्चें ज़्यादा रखती हूँ इसके अंदर क्योंकि अगर आप प्याज डालें ना तो फिर भिंडी बहुत फीकी हो जाती है तो इसका बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे है जी दही दही जम गया था फ़्रिज के अंदर तो मैंने उसे ऐसे ही डाल दिया थोड़ी देर में जो है वो खुद ब खुद पिघल गया इसको आपने बिल्कुल टच नहीं करना है इसका पानी एवेपरेट हो जाएगा तो ये वाइट से चंक्स बन जाएंगे जो ऐसे चीज़ जैसा फ़्लेवर देते हैं तो बस आपने उसको फिर टमाटर के मसाले में मिक्स कर लेना है और उसके साथ ही ये फ़्राईशुदा भिंडी और प्याज़ डालें और हल्की आँच पर जो है ना वो खुला रख के इसको पकाएँ थोड़ी देर के लिए अदरवाइज़ आप ढक देते हैं ना तो भिंडी बहुत जल्दी बहुत नरम हो जाती है और हमारी तो ऑलरेडी फ्रोज़न भिंडी है तो जी ज़बरदस्त सी भिंडी तैयार है अब इसको आप गरम गरम चपाती के साथ खाएं और बहुत मज़ा लें तो जी हमने खा पी लिया और अब दिन इतने लंबे हो गए हैं कि शाम को तो जी बच्चों ने इतना तंग किया कि अब हमने कुछ करना है कुछ करना है तो बड़े दिनों से ये ड्रोन हमारे पास रखा हुआ था हमने सोचा इसका इनाग्रेशन किया जाए उड़ाया जाए कौन सी ज़्यादा मुश्किल बात होगी लेकिन भाई ये तो अच्छा खासा टेक्निकल काम है ये तो काबू ही नहीं आता कभी राइट जाता है कहीं लेफ़्ट जाता है इतनी गरीब ने टकरें खाई कि किसी ने भी जो है ना वो ज़माने की ठोकरें ऐसी नहीं खाई होंगी जैसी इस ड्रोन ने टकरें खाई बहरहाल मुझे तो इस गरीब के ऊपर शक ही रहा कि एक टाइम आएगा कि इसके कुछ हाथ पैर टूट जाएंगे और ये लंगड़ा लूला भी हो जाएगा लेकिन अलहमदिल्ला वो सेहत याब ही रहा और फिर थोड़ी सी खुली जगह पे जाके जो है वो उसको उड़ाने की कोशिश की तो कुछ कुछ कामयाबी हो गई मेरा ख़्याल इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और देखते हैं कि इसके शॉट्स हम ले सकें क्योंकि इसमें बड़ा मज़ेदार किस्म का एक कैमरा भी है अगर आप में से किसी को भी ड्रोन के बारे में कोई वाकफियत है तो ज़रूर मुझे बताइए कमेंट्स में मैं इंतज़ार करूँगी और जब तक ये लोग बाहर तमाशे कर रहे थे ड्रोन के साथ मैंने बना ली ग्रीन चटनी और अगर आपको मेरे वॉइस ओवर पर धमाकों की आवाज़ आ रही हो तो भाई उसके लिए ख़ास ख़ास माजरत क्योंकि हमारे पड़ोसी पता नहीं क्या चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं सुबह से इस कदर धमाके कर रहे हैं कि खामोश होने का नाम ही नहीं ले रहे तो बस जी इसको आप बर्दाश्त करें जैसे कि हम बर्दाश्त करें और जी गर्मा गर्म समोसे उसके साथ हमने खाई ग्रीन चटनी और जलेबी गर्मा गर्म कप चाय का और क्या चाहिए ज़िंदगी में बताएँ ज़रा मगर इंसान बड़ा नाशुक्र है जी एक चीज़ के बाद दूसरी तो चाहिए तो जी ये थोड़ा सा बोनलेस चिकन था और इसके अंदर मैंने नमक काली मिर्च और सिरका लगा के इसको सुबह से ही रखा हुआ था अब मैं इसको तेज़ आंच पे पकने के लिए रख दूँगी थोड़ा सा तेल डाल के यहाँ पे मेरे पास है टोमेटो पेस्ट उसमें मैं डाल रही हूँ चिली गार्लिक सॉस और थोड़ा सा कैचप इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी टोमेटो पेस्ट मेरा थोड़ा सा फ्रोज़न है जब तक मैं इसको मिक्स करूँगी और पैन में डालूंगी तो इन शाला खुद बहुत डीप फ्रॉस्ट हो जाएगा इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा सोया सॉस थोड़ा सा वोस्टरशायर सॉस यहाँ पे जो है वो सॉस वाला पार्ट आपका डन हो गया अब आप आ जाइए इसमें स्पाइसेस में भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स अजीनो मोतो नमक मैंने इसमें इसलिए नहीं डाला क्योंकि चिकन में भी नमक है और जो पास्ता बॉईल करूँगी उसमें भी नमक है और सोया सॉस में भी नमक है तो नमक आप बाद में अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं इस सॉस को ज़रूर आप चख लीजिए क्योंकि जिस टेस्ट का ये सॉस होगा उसी टेस्ट का आपका चिकन का सालन होगा तो आप देख लें कि चिकन में से पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है उनका कलर जो है वो लाइट ब्राउन सा हो गया इसके अंदर मैंने ये सारे सॉसेस डाल दिए हैं थोड़ा सा पानी डाल दिया है इसको अब मैं पकने के लिए रख दूंगी इसी स्टेज में आप कोई सी भी वेजिटेबल बहुत छोटी छोटी सी काट के जो है वो शामिल कर दीजिए और उसको अच्छी तरह से पका लीजिए कि वो जो है सॉस के अंदर कहीं गायब हो जाए किसी भी बच्चे को पता ही ना चले कि आपने कितनी सारी सब्जियां इस सॉस के अंदर डाल दी हैं तो मैंने इसके अंदर सिर्फ कैप्सिकम डाली है आप चाहें तो इसके अंदर मशरूम भी डाल सकते हैं और कोई और आपकी चॉइस की सब्ज़ी हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं तो बस जी आप देख लीजिए कि कितना अच्छा सॉस तैयार हो गया इसमें मैंने कोई कॉर्नफ्लार नहीं डाला है बस ये पक पक के ख़ुद ही इतना गाढ़ा हो गया है तो बस जी इसी कंसिस्टेंसी का मैं इसको छोड़ूंगी उसमें थोड़ा सा मैंने ऊपर से पामजान चीज़ डाल दिया है और पास्ता बिल्कुल प्लेन नमक डाल के बॉईल किया है इसके ऊपर अब आप डालें सॉस और इसको इंजॉय करें यकीन करें ये कहते हैं ना कि पास्ता कम्फर्ट फूड है तो यकन ये वाले टाइप का पास्ता जो है ना वो कम्फ़र्ट फूड है हमारे घर में सब बहुत शौक़ से खाते हैं और सबसे मज़े की बात यह है कि आप इसको अपने घर में कोई बचा हुआ कीमा हो तो उससे भी बना सकते हैं बस सारे सॉसेज़ ऐड कीजिए कीमे की कंसिस्टेंसी बिल्कुल पतली कर दीजिए जैसे कि रनी है और पास्ता बॉईल करके उसके ऊपर डाल के खाइए बहुत मज़ा आएगा और जी लॉन्ग वीकेंड हो आप रात को देर तक जागते हैं तो फिर आपने इस किस्म की कोई ना कोई हरकत तो ज़रूर करनी होती है तो बस जी हम भी इसी तरह के कोई काम कर रहे हैं हमने सोचा कि रात को लेट बैठे हैं तो अब थोड़ा सा पिज़्ज़ा खाया जाए तो जितनी बदपरेजी करनी है वो वीकेंड पे ही कर ली जाए लेकिन मुझे ये पता था कि नेक्स्ट डे जो है वो इस तरह की कोई बदपरेजी नहीं चलेगी तो रात में जो है वो मैंने चिकन के जो पीसीज हैं उन्हें मैरिनेट करके रखा है इसमें सिर्फ और सिर्फ़ नमक मिर्च काली मिर्च चिली फ्लेक्स धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर अदरक लहसुन का पेस्ट और दही ये सारी चीज़ें हैं थोड़ा सा फूड कलर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी इसका मैं बड़ा अच्छा ज़बरदस्त किस्म का गाढ़ा सा मैरिनेट बना लूँगी आप चाहें तो इसके अंदर थोड़े से सॉसेज ऐड कर सकते हैं लाइक सोया सॉस या चिली सॉस अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी पसंद है जब भी लॉन्ग वीकेंड्स हों या छुट्टियाँ हो ना तो ज़रूर पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए क्योंकि सुबह आप अमूमन लेट उठते हैं उठ के नाश्ता करने के साथ ही जो है ना वो लंच की फ़िक्र लग जाए ना तो मुझे बहुत कोफ्त होती है मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश होती है कि मुझे लंच के लिए ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े और ऑब्वियसली जब आप अकेले काम करने वाले आदमी हैं तो इस तरह के फ़ैसले आपको खुद ही करने होते हैं कि आप एक दिन पहले थोड़ी सी तैयारी करके रखें तो बस जी ये आ गया है नेक्स्ट डे और अच्छा सुहाना दिन था लग रहा था कि आज का मौसम अच्छा होने वाला है बाहर आप देखिए ज़रा कैसे होगा आलम है ऐसा लग रहा है कि दूर दूर तक कोई बंदा नहीं है और इस इलाके में कोई नहीं रहता मेरे अलावा क्या ख्याल है आपका और जी वीकेंड हो और आपको ग्रॉसरी ना करनी पड़े ऐसा तो यहाँ हो ही नहीं सकता तो हम जी आए हैं वॉलमार्ट और यहाँ से हम करेंगे थोड़ी सी ग्रॉसरी ग्रॉसरी का हॉल मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगी इन शाली फिर कभी किसी दिन तफसीला ये काम करेंगे लेकिन एक्चुअली जिस काम के लिए मैं आई थी वो ये कि मेरा जो फ़िश टैंक का फ़िल्टर है वो ख़राब हो गया था तो जिस ब्रांड का फ़िल्टर हम यूज़ कर रहे हैं वो फ़िल्टर तो फर्स्ट क्लास काम कर रहा है लेकिन जो तो उसकी कार्ट्रेज़ हैं वो बननी बंद हो गई हैं तो अब वो स्टॉक में ही नहीं है मेरे पास जितनी एक्स्ट्रा कार्ट्रिजेस थी वो सारी यूज़ अप हो गई हैं तो फ़िल्टर गंदा होने की वजह से जो है वो टैंक भी सही से साफ़ नहीं हो रहा तो बस जी हमने सोचा कि पूरा फ़िल्टर ही चेंज कर दें हालांकि फ़िल्टर सही काम कर रहा है ऐसे ही होता है फिर तो बहरहाल हमने जो है वो फ़िल्टर नया ख़रीदा फ़िश टैंक में लगाया फ़िश टैंक साफ़ किया मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली ऐसा लग रहा था कि मछलियाँ बहुत खुश हो गई क्योंकि टैंक पिछले एक हफ्ते से इतना गंदा हो रहा था जैसे ही साफ़ हुआ तो इतना वो मुझे लग रहा था भागो बहार हो गई हैं भाग रही हैं खुश हो रही हैं डांस कर रही हैं पता नहीं कर भी रही थी या नहीं सिर्फ मेरा वहम था लेकिन शायद मुझे खुद अच्छा लग रहा था तो मुझे लगा शायद इन्हें भी उतना ही अच्छा लग रहा है और जी बस 450 फिफ्टी फैरन हाइट पर जो है अवन को प्री हीट होने के लिए रखा और बड़ी सी डिश के अंदर जो है वो सारे चिकन के पीसेस को मैंने लाइन अप कर दिया इसको ऊपर से थोड़ा सा ऑयल रिजल करूंगी उसके बाद अल्टा पलटा लूँगी ताकि हर जगह पे इसमें ऑयल लग जाए आप चाहें तो मैरिनेट में भी ऑयल डाल सकते हैं लेकिन मैंने नोट किया कि अगर बेकिंग से जस्ट पहले आप ऑयल डालें ना तो बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आता है तो आलू जो है उनके ऊपर भी मैंने नमक मिर्च और रैगन और डाल के उन्हें भी मिक्स कर लिया है थोड़े से ऑयल के साथ और चिकन के साथ ही मैं रख के इनको बेक कर दूँगी तो प्री हीटेड अवन जो है वो 450 पे था लेकिन जब मैं चिकन इसके अंदर डालूंगी तो मैं टेम्परेचर को लोअर कर दूंगी 400 के लिए यानी ये चिकन अब बेक होगा 400 हंड्रेड पे और इसको मैं 25 मिनट्स तक एक दफ़ा के लिए बेक करूंगी फिर निकाल के इसकी साइड चेंज करूंगी तो जी जब तक चिकन जो है वो अवन में है हम अपना एक सॉस बना लेते हैं जितना मैरिनेट है उसको आप अच्छी तरह से रिड्यूस कर लीजिए उसको देख लीजिए कि वो कितना पतला पानी है उसको आप थोड़ा सा पकाएंगे तो वो खुद ब खुद जो है वो गाढ़ा हो जाएगा फिर आप इसको चिकन के ऊपर लगा के जो है वो बड़े मज़े से खा सकते हैं अमूमन हम इसके साथ वाइट प्लेन राइस बनाते हैं तो इस सॉस को और चिकन को मिक्स करके चावलों के साथ जब खाते हैं बड़ा मज़ा आता है तो जी हमने थर्टी फाइव मिनट्स के बाद जो है वो चिकन की साइड्स चेंज करनी है और उसके बाद जो है इसको मज़ीद ट्वेंटी मिनट्स के लिए रख देंगे ट्वेंटी मिनट्स में इसके ऊपर बड़ा अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और ये फ़र्स्ट क्लास किस्म का बेक भी हो जाएगा अच्छा जी कितने लोग जब अवन इस्तेमाल करते हैं तो चूल्हे की ये कंडीशन होती है यानी कि मेरे अवन का जो काम है ना एक छोटी मोटी अलमारी जैसा तो है कि जब भी मैं अवन इस्तेमाल करती हूँ तो उसके बाद जो है अंदर से बहुत सामान मुझे बाहर निकाल के रखना पड़ता है उसके बाद मैं अवन यूज़ कर सकती हूँ आप लोगों में से किसी के साथ ऐसी सिचुएशन है या नहीं है ज़रूर बताइएगा मुझे मैं पाकिस्तान जाती हूँ ना तो मेरा सबसे पहला काम ये होता है कि मैं बाजार से भुट्टे ख़रीद के खाती हूँ क्योंकि यहाँ पे भुट्टे मिलते तो बहुत हैं मगर वो जो दादाबू और बाबा जी भुट्टे होते हैं ना बस वो मिलते हैं लेकिन ठीक है बच्चों को अच्छे लगते हैं ये मीठे मीठे से भुट्टे होते हैं उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च छिड़का है और फॉइल में लपेट के इसको मैं अवन में डाल दूंगी तो अभी अवन जो है वो ज़ाहिर है मैंने ऑन किया हुआ था तो उसी फोर हंड्रेड फेर पर जो है इनको मैं रख दूंगी और दस से पंद्रह मिनट में जो है वो ज़बरदस्त किस्म के जो है वो भुट्टे तैयार हो जाएंगे तो बस जी जो मिले शुक्रिया वाली बात है तो अब हमें जो मिल जाता है हम खुशी खुशी खा लेते हैं लेकिन जब भी मैं ये भुट्टे खाती हूँ मुझे पाकिस्तान के भुट्टे इतने याद आते हैं कराची में भुने हुए भुट्टे और लाहौर में जो उबली हुई छली मिलती है क्या बात है यकीन माने इसका कोई कहीं मुकाबला नहीं है और जी मौसम बड़ा ही सुहाना था हमारे फ्रेंड्स का फ़ोन आया कि क्यों ना पार्क में चल के बैठे और चाय वहाँ पर पिए तो बस जी अब चाय तो खाली तो नहीं पीनी होती ना तो यहाँ पर मैंने छोले लिए हैं उसके अंदर नमक मिर्च कुटी हुई लाल मिर्च चिली गार्लिक सॉस थोड़ा सा केचप थोड़ा सा पानी और ये सब चीज़ें डाल के जो है वो चनों को थोड़े से बॉईल दिलाए हैं ताकि ये गर्म भी हो जाए और सारा मसाला इनको अच्छी तरह से कोट हो जाए बाकी जो है वो प्याज टमाटर धनिया मैंने जो है काट के साथ में रख लिया है गरम गरम चनों में नहीं डाल सकते वहाँ पार्क में जाके इनमें मिक्स कर लूँगी यहाँ पे पानी जो है वो खौला लिया है और इसको हम डाल देंगे अपनी फ़्लास्क में ये फ़्लास्क हम अपने साथ लाए थे दुबई से और मेरे जानने वाले हर आदमी के पास ये फ़्लास्क है हमने हर एक को ये तोहफे में दी थी माशाला ये इतना अच्छा पानी को गर्म रखती है यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम मिलते भी नहीं हैं लेकिन उनको भी तोहफे में ये फ्लास्क दी हुई है और वो आज तक हमारी दी हुई फ्लास्क जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं है ना मज़े की बात वो कहते हैं ना इंसान आँख से ओझल है तो दिल से भी ओझल हो जाता है आँख हो जल, पहाड़ हो जल, लेकिन चीज़ें अपनी जगह पर रहती हैं लोगों की दीवी चीज़ें आप इस्तेमाल करते ही रहते हैं चाहे आप उन इंसानों से दूर हो जाएं या मिलना ख़त्म कर दें मेरे पास अपने स्कूल की फ्रेंड्स की दीवी कुछ चीज़ें आज तक रखी हुई हैं और उनमें से कितनी सारी फ़्रेंड्स हैं जिनको मैं अब जानती भी नहीं हूँ कि वो दुनिया में कौन से हिस्से में रहती हैं तो बस ये दुनिया इसी का नाम है इंसान फ़ानी है और चीज़ें जो हैं आनी जानी है <laughs> है ना मजे की बात चलें जी हम पहुंच गए पार्क और हम पार्किंग ढूंढ़ ढूंढ़ के परेशान हो गए और कहीं पार्किंग नहीं थी तो हमने बस फिर गली में लोगों के घर के सामने पार्क किया सिर्फ टू आवर्स की पार्किंग अलाउड है वहाँ पे तो हमें लगा कि हम दो घंटे में इन श्रा चाय पी के वापस आ ही जाएंगे तो ये वाला पार्क जो है मैं पहली दफ़ा आई थी और इसका नाम है विक्टोरिया पार्क वैसे ये बहुत मशहूर पार्क है यहाँ पे लोग बहुत आते हैं लेकिन चूंकि मेरे घर के पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छा पार्क है तो हम मोस्टली उसी पार्क में जाते हैं तो कभी इस वाले पार्क में मेरा आने का इतफ़ाक़ हुआ नहीं लेकिन बहरहाल अच्छा लगा मुझे ये पार्क हमारे बचपन में कराची का इतना ख़ूबसूरत नक्शा था कि हर लोकेलिटी के साथ जो है उसका एक पार्क होता था मैंने पार्क में बचपन में इतना खेला हुआ है कि मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चे उन सब मज़ों से महरूम हैं हम हर शाम में जो है वो पार्क चले जाते थे और मगरिब की अजान से पहले पहले घर वापस आना होता था जो मगरिब की अजान तक घर नहीं आता था, था फिर उसकी शाम आती थी तो बस जी जैसे ही पता लगे कि अंधेरा हो रहा है तो हम दौड़ लगाते थे घर जाने के लिए यहाँ पर हम बड़ी खुशी से जो है वो बतखों को इन्जॉय कर रहे थे कि एक बच्चा आ गया और उसने इतनी देर दना दन जना जन अपनी बोट चलाई कि बेचारियाँ डर के इधर से उधर भाग गईं तो हुसैन को तो बड़ा ही अफसोस हुआ कि किसी ने जो है वो उनको डरा दिया मामा ये तो अच्छी बात नहीं है मैंने कहा फ़न करने का भी ना अपना एक मैार होता है हर इंसान डिफरेंट तरह से इन्जॉय करता है तो बस जी उस बच्चे का इन्जॉयमेंट यही था कि वो बतखों को भगा दे और हमारा इन्जॉयमेंट ये था कि हम उसे तैरता हुआ देखना चाहते थे लास्ट व्लॉग में मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया कि अपनी कुरान की क्लास के बारे में बताइए तो यकीन मानिए कि बताने वाली कोई ख़ास बात नहीं है मेरी टीचर माशाल्लाह माशाल्लाह एमबीबीएस डॉक्टर हैं और वो चाहें तो थोड़ा से एग्ज़ाम क्लियर करके यूएस में बहुत अच्छी प्रोफेशनल डॉक्टर बन सकती थी मगर उन्होंने इस राह को चुना उसी तरह से जो मेरे साथ में क्लास में लोग हैं वो माशाल्लाह बहुत मेहनती और बहुत पढ़ने वाले लोग हैं और बड़ा दिल लगा के जो है वो कुरान पाक सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं उनमें से किसी एक के भी बराबर नहीं हूँ तो जब मैं कुछ कर पाऊँगी अपनी क्लास में कुछ सीख पाऊँगी तो इन शाह ज़रूर उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी अभी तो आप ये समझिए कि हाज़िरी लगाने की बस एक कोशिश है कि जब नेक लोग कहीं पे हाज़िर होना तो कहीं हमारा भी नाम आ जाए कि वो हो क्लास में अटेंडेंस तो लगाती थी अब पढ़ती अच्छा थी या नहीं थी वो बात की बात है शायद अटेंडेंस के ही कुछ नंबर मिल जाए इन ताला और जी इतना मज़ा आया मौसम भी अच्छा था और गर्मा गर्म चाय का कप हो साथ में छोले समोसे हो मुझे आप बताइए कि ज़िंदगी में और क्या चाहिए मतलब जो ये देख रहा होगा व्लॉग वो सोचेगा कि इन खातून की ज़िंदगी में सिर्फ समोसे और चाय जो है ना वो हैप्पीनेस का एक्सट्रीम में आ रहे है। यकीन माने मैं तो छोटी छोटी चीज़ों से बहुत खुश होती हूँ बड़ी बड़ी चीज़ें अमूमन मुझे उतना खुश नहीं करती हैं जितनी छोटी बातें खुश करती हैं और यही शायद अच्छी बात होती है क्योंकि छोटी चीज़ें जो है ना वो अचीव करना आसान होता है ठीक है ना तो बस जी ख्वाब बड़े देखें मगर छोटी चीज़ों पर भी खुश होना सीखें और देखिए एक और छोटी चीज़ ये हमारी दोस्त लेकर आई थी कराची से इमली इतना मज़ा आया इसको खा के कि मैं आपको बता नहीं सकती वो वाली इमली होती है ना जो थोड़ी खट्टी होती है और थोड़ी सी मीठी होती है और आप बड़े मज़े से उसको खाते हैं यानी इतने शौक से खाते हैं कि एंड में रैपर को भी खूब कोशिश करते हैं कि जितना साफ कर सकते हैं कर लें तो बस जी वैसी इमली थी वो हमने खाई और वापसी का सफ़र इख्तियार किया क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो स्कूल है बच्चों ने स्कूल जाना है तो आप लोग बताइए कि आप लोगों ने इस वीकेंड पे क्या किया मौसम का क्या हाल है और कोई नई बात बताइए या कोई नई चीज़ जो आप मेरे से सीखना चाहते हैं या मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर जो मैसेज आते हैं जिसमें क्वेश्चन होते हैं उनके जवाब में फ़ौर दे देती हूँ बाकी YouTube पे आप लोग जो मुझे मैसेज करते हैं कोशिश करती हूँ उन सब का रिप्लाई करूँ और आपके कमेंट मुझे बहुत खुश भी करते हैं और जी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे पड़ोसियों को भी माफ़ करें जिन्होंने आज बहुत मार धाड़ मचाई है बैकग्राउंड में फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से ब्लॉग में खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए अल्लाह हाफिज़